સાથે જ આગળ ચર્ચાના મિડકેપ સ્ટોકની વધારીએ. પેલા કેસ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા પ્રથમ ત્રિમાસિકના જે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, કંપનીનો નફો 31 કરોડથી વધીને 63 કરોડ રૂપિયા ઉપર આવતો જોવા મળ્યો છે અને આવકની અંદર 1785 કરોડથી વધારો થઈને 1895 કરોડ રૂપિયા ઉપર રહ્યો છે. પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના એમડી અને સીઈઓ વિમલ કેજરીવાલ. વિમલજી, સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. જીસ તરહ કે હમ FY18 Q1 કે જો આંકડે દેખ રહે હૈ, સબસે બરા અગર હમ દેખે તો રેવન્યુ અપ જો હુઆ હૈ વો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેગમેન્ટ મેં રેલવે કે સેગમેન્ટ સે આતા હુઆ દિખા હૈ. ક્યા વજહ રહી ઇસકે પીછે ઓર ક્યા યે આને વાલે દિનો મેં ભી લીડ કરતા હુઆ દિખેગા રેવન્યુ ફ્રન્ટ પે? देखिए, रेलवे में हमारी उम्मीद ये है कि पूरे साल में जो हमारा पिछले साल करीब 400 करोड़ के रेवेन्यू थी वो करीब करीब 800 करोड़ होनी चाहिए. तो हमारी उम्मीद यही है कि रेलवे के रेवेन्यू हम डबल कर देंगे और आज हमारे पास करीब करीब 1500 करोड़ के ऑर्डर हैं रेलवेज में ऑलरेडी. इसके अलावा काफी सारे टेंडर हमने कोट किए हैं, तो रेलवे सेगमेंट से हमको काफी उम्मीद है कि ये आगे चल के काफी तेजी से बढ़ेगा. साथ ही सर, अगर जिस तरह से हम रेलवे के रेवेन्यूज देख रहे हैं अपसाइड होते हुए दे, ओवरऑल सेगमेंटल परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, कुछ डिटेल यहाँ पे शेयर कर पाए तो? बेसिकली मेन परफॉर्मेंस हमारा टीएनडी से होता है, तो करीब करीब 85% रेवेन्यू जो है वो टीएनडी से आई है, वो उसी रेंज में रहती है नॉर्मली. और बाकी रेलवे से थोड़ी बहुत है, थोड़ी सोलार की है और बची हुई हमारी जो है वो करीब करीब 12% जो है हमारी केबल से है. ओके, साथ ही सोलार रेवेन्यूज के फ्रंट के ऊपर किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला है, यहाँ पे हम किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी को पुश मिल रहा है, क्या इनका कोई बेनिफिट आपकी कंपनी ले रही है? देखिए, सोलार में जहां तक ख्याल है कि हमारे पास काफी बड़ा एक ऑर्डर है आंध्र प्रदेश में, तो इस साल हमको उम्मीद है कि रेवेन्यू तो हमारी मोर देन डबल हो जाएगी. पिछले वर्ष करीब 150 करोड़ के आसपास थी, इस वक्त करीब 400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो जानी चाहिए. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब जीएसटी में सोलार पे 18% जीएसटी ईपीसी पे लगा दिया है, प्लस पैनल्स पे 5% ड्यूटी हो गई, तो थोड़ा सा इंडस्ट्री में हलचल हो रही है, प्लस कुछ स्टेट्स में पीपीए वगैरह रीनेगोशिएट हो रहे हैं. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नेक्स्ट 3-6 महीने में एक बार इंडस्ट्री में नए ऑर्डर्स वगैरह में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा. उसके बाद जब एक बार सारे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद फिर उम्मीद है कि ऑर्डर्स फिर आने शुरू हो जाएंगे. टीएनडी सेगमेंट में अगर सर बात करें तो यहाँ पे हम रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस देखें तो करीब 13% के आसपास हम रेवेन्यू को बढ़ता हुआ देख पाए. इसमें डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन कितना रहा है और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहा है? ब्रॉडली आपने 60 और 40% बोल सकते हैं कि 60% जो है वो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन और 40% जो है वो विदेशी कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे टीएनडी का है, इस साल किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं? जीएसटी के रोल आउट होने के बाद यहाँ पे आने वाले ऑर्डर बुक किस तरह से देख रहे हैं और अभी जो Q1 की ऑर्डर बुक है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए, Q1 की ऑर्डर बुक मेरी करीब 13,000-13,500 करोड़ की है. इसके अलावा करीब 4,500 करोड़ के हमारे L1 है, तो अब वो L1 परिवर्तित हो जाएंगे ऑर्डर बुक में. थोड़ा सा जीएसटी का इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि जो टेंडर हमने जून के पहले कोट किए थे 1 जुलाई के पहले, वो एक्साइज और सीएसपी वगैरह में कोट किए थे सेल्स टैक्स में, उसमें कई 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 क्लाइंट ये वापस से रिव्यू कर रहे हैं कि उन टेंडर्स को फिर से मंगाएं कि जीएसटी में करें क्या, कैसे करें. तो थोड़ा सा जुलाई और अगस्त में मेरे को लग रहा है कि ऑर्डर बुक जो है उस पर थोड़ा सा इंडिया वाले जो ऑर्डर्स हैं खासकर स्टेट बोर्ड वगैरह के हैं उनमें थोड़ा सा इंपैक्ट रहेगा, पर अदरवाइज तो आई थिंक हमारी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने. धन्यवाद विक्रम जी. ધન્યવાદ સર. સાથે આગળ વધીશું, આપણી સાથે પ્રભુદાસ લેધરના વૈશાલી પારેખ જોડાયેલા છે. વૈશાલીજી, આપનો ટેકનિકલ વ્યૂ શું બની રહ્યો છે કેઈસી ઇન્ટરનેશનલ માટે? I think KEC International भी हमना काफी रन अप स्टॉक छे, सो आई डोंट थिंक आई नवी काई स्ट्रेटेजी हमना बनी शके, पर जेमनी पासे होई आ स्टॉक जरूर पकड़ी सके बिकॉज आमा हजी हायर अपसाइड पोटेंशियल्स लागे छे.
ઓકે સાથે જ હવે સમય થયો છે એક બ્રેક ના બ્રેક બાદ મિડકેપ સ્ટોક ની ચર્ચા આગળ વધારીશું.